स्टूडेंट्स वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी की जो नई बुक है उसके चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर हमें ए पार्ट में दिया गया है 3 × -1 और हमें इसका प्रोडक्ट पता करना है। प्रोडक्ट मतलब हमें इन्हें मल्टीप्लाई करके दिखाना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है। पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर में जो साइन होता है वो नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर नेगेटिव यानी माइनस का साइन आएगा और 3 × 3 होता है तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3। तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हमने 3 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ तो हमें आंसर मिला -3। इसके बाद बी पार्ट में हमें दिया गया है -1 × 225। अब देखिए स्टूडेंट्स, 225 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 225। माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस होता है तो यहां पर आएगा -225। इसके बाद सी पार्ट में हमें दिया गया है -21 × -30। अब देखिए स्टूडेंट्स, माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं। और जब आप 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ तो आपको मिलेगा 630। तो जब हमने -21 को मल्टीप्लाई किया -30 के साथ तो हमें आंसर मिलेगा +630। इसके बाद डी पार्ट में हमें दिया गया है -316 × -1। अब देखिए, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 316 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 316। तो जब हमने इन दोनों नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिला +316। इसके बाद ई पार्ट में हमें ये 3 इंटीजर्स मल्टीप्लाई में दिए गए हैं -15 × -0 × -18। अब ये क्वेश्चन करना बहुत ही इजी है। देखिए, ये तीनों इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनमें से एक इंटीजर 0 है। जब एक इंटीजर ये 0 है और आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अल्टीमेटली आंसर 0 ही मिलेगा। तो इसका आंसर आएगा 0। इसके बाद एफ पार्ट में हमें दिया गया है -12 × -11 × 10 और हमें इन तीनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इन दोनों इंटीजर्स को एक साथ एक ब्रैकेट में रख देंगे तो यहाँ इस ब्रैकेट में आएगा -12 × -11 और ये × 10 यहाँ पर हम अलग से लिखेंगे। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 132। तो जब आपने -12 और -11 को मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला +132 × 10 यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 132 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो हमें मिलेगा 1320। तो जब हमने इन तीनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिला 1320। इसके बाद जी पार्ट में हमें दिया गया है 9 × -3 ×-6 और हमें इन तीनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमने इस 9 को अलग रखा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा और इन दोनों इंटीजर्स को हम एक साथ रख देंगे ब्रैकेट के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, आप इन दोनों इंटीजर्स को एक साथ ब्रैकेट में रखें या इन दोनों इंटीजर्स को एक साथ ब्रैकेट में रखें, आपकी चॉइस होती है। आप किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, यानी कोई भी दो नंबर की आप ग्रुपिंग बना ले, इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 और -6 को। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। तो इन दोनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके आया +18। जब आप 18 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 162। तो यहां पर हमें आंसर मिल गया है 162। इसके बाद एच पार्ट में हमें दिया गया है -18 × -5 ×-4। हमें इन तीनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है तो -18 को हमने अलग से रखा, मल्टीप्लाई बाय इन दोनों इंटीजर्स को हमने एक साथ ब्रैकेट में रख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम -5 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 5 × 4 = 20, तो यहां पर हमें मिलेगा +20। अब हम
पॉजिटिव 20 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 18 के साथ। माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ तो आपको मिलेगा 360। तो यहाँ पर हमें मिल गया है माइनस 360। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जब हमने माइनस 18, माइनस 5 और माइनस 4 को मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिला माइनस 360। इसके बाद आई पार्ट में यहाँ पर हमें चार इंटीजर्स दिए गए हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब हम इन चारों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो पहले दो इंटीजर्स है इनकी हम एक साथ ग्रुपिंग कर देंगे, इनको एक साथ ब्रैकेट में रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय इन दोनों इंटीजर्स को एक साथ हम ब्रैकेट में रख देंगे। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा, ये चारों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये भी चारों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। बस फर्क इतना सा है कि ये दोनों एक साथ रख दिए, ये दोनों इंटीजर्स हमने, और इन दोनों इंटीजर्स को भी एक साथ एक ब्रैकेट में रख दिया। पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो आपको मिलेगा +2। 2 1 जा 2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, तो यहाँ पर हमें मिल गया +2। ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर आ गया। माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस, और 3 4 जा 12, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें मिला -12। अब हम -12 को मल्टीप्लाई करेंगे +2 के साथ। माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस होता है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 24। तो यहाँ पर जब हमने इन चारों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिला -24। इसके बाद जे पार्ट में हमें ये चार इंटीजर्स दिए गए हैं, -3 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -1, और हमें इन चारों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो इन पहले दो इंटीजर्स को हम एक साथ एक ग्रुप में रख देते हैं एक ब्रैकेट में, और ये जो -2 और -1 है इनको एक साथ हम ब्रैकेट में रख देते हैं। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है तो ये पॉजिटिव आएगा। 3 6 18, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमें मिला +18। मल्टीप्लाई का ये साइन यहाँ पर आ गया। -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 2 1 जा 2, तो यहाँ पर हमें मिला +2। अब हम 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमें मिलेगा 36। तो जब हमने इन चारों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिला 36। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है वेरीफाई द फॉलोइंग, और ए पार्ट में हमें दिया गया है 18 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ ब्रैकेट में है 7 प्लस -3 इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट में है 18 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस इस ब्रैकेट में है 18 मल्टीप्लाई बाय -3, और हमें ये वेरीफाई करना है, यानी हमें ये शो करके दिखाना है कि ये दोनों साइड्स, ये LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये RHS राइट हैंड साइड, हमें इन दोनों साइड्स को इक्वल करके वेरीफाई करना है, चेक करना है। सबसे पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है LHS इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय बिग ब्रैकेट 7 प्लस स्मॉल ब्रैकेट में -3 और फिर ये बिग ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम इस वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट में माइनस का साइन है और बाहर प्लस का साइन है। जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिला 7 -3 18, और ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर एज इट इज आ गया। अब 18 यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 4। अब हम 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो हमें मिलेगा 72, यानी कि जब हमने इस LHS को यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो हमें आंसर 72। अब यहाँ पर हम लिखेंगे RHS यानी कि राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है, इस ब्रैकेट में हमें दिया गया है 18 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस, और इस ब्रैकेट में हमें दिया गया है 18 मल्टीप्लाई बाय -3। अब हम इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो आपको मिलेगा 126, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 126, ये प्लस का साइन यहाँ पर आएगा। और जब आप 18 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ तो आपको मिलेगा -54। देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस होता है, और 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 54 आता है। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस आएगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 126 -54, और जब आप 126 में से माइनस करेंगे 54 को तो आपको मिलेगा 72, तो यहां पर आप लिखेंगे 72।
स्टूडेंट्स, एडएचएस को सॉल्व किया तब भी 72 आया, आरएचएस को सॉल्व किया तब भी 72 आया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड। यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को इक्वल दिखा दिया है, ये वेरीफाई कर दिया है। इसके बाद बी पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, -21 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस -6 इज इक्वल टू -21 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस -21 मल्टीप्लाई बाय -6। और इस पार्ट में भी हमें इन दोनों साइड्स को सॉल्व करना है और इन दोनों साइड्स को इक्वल दिखाना है। पहले यहाँ पर हम लिखेंगे LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये -21 एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। पहले हम इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। ये ब्रैकेट ओपन किया -4 आया, इस ब्रैकेट को ओपन किया माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस आएगा। यानी कि जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा -6। अब पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए ये दोनों इंटीजर्स माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और साइन माइनस का ही आता है। तो जब आप -4 और -6 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा -10। अब हम -21 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा। कोई साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव साइन है। और जब आप 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो आपको मिलेगा 210। तो जब हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को, इस LHS को सॉल्व किया तो हमें आंसर मिला 210। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे RHS इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड है -21 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस, और यहाँ इस ब्रैकेट में हमें दिया गया है -21 मल्टीप्लाई बाय -6। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और 21 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 84। तो इन दोनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके मिला पॉजिटिव 84। ये प्लस का साइन यहाँ पर आएगा। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 21 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 126। अब यहाँ पर हमें क्या मिल गया है, 84 प्लस 126, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 210। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने LHS को सॉल्व किया तब भी 210 आया, जब हमने RHS को सॉल्व किया तब भी 210 आया। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है, फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल टू। यानी कि अगर ए कोई इंटीजर है और अगर हम -1 को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप -1 को मल्टीप्लाई करते हैं ए के साथ तो a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a आएगा, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन आएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम -1 को a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलता है -a। इसे हम कुछ और एग्जांपल्स के द्वारा भी समझ सकते हैं। अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करते हैं -1 के साथ तो आपको आंसर मिलता है -2। अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करते हैं -1 के साथ तो आपको आंसर मिलता है -5। ऐसे ही जब आप a को मल्टीप्लाई करते हैं -1 के साथ तो आपको आंसर मिलता है -a। अब सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज, और ए पार्ट में हमें दिया गया है -22। यानी कि यहाँ पर हमें ये बताना है स्टूडेंट्स कि -1 को हम किस इंटीजर के साथ, किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमें आंसर मिल जाए -22। तो याद रखिएगा कि -1 को अगर आप पॉजिटिव 22 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आंसर मिलता है -22। क्योंकि जब आप 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 22, और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस होता है। तो यहां पर हमारा आंसर है पॉजिटिव 22। उसके बाद बी पार्ट में हमें बताना है कि -1 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमें आंसर मिल जाए पॉजिटिव 37। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर आप -1 को मल्टीप्लाई करते हैं -37 के साथ तब आपको आंसर मिलता है पॉजिटिव 37। देखिए कैसे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 37 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 आएगा। तो यहां पर हमारा आंसर है -37।
उसके बाद सी पार्ट में हमें यह बताना है कि -1 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, किस इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमें आंसर मिल जाए 0। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि -1 को अगर आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आंसर मिलता है 0, क्योंकि 0 को आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर 0 ही आता है। तो यहां पर हमारा आंसर है 0। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई बाय 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 1। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि हमें स्टार्ट करना है -1 मल्टीप्लाई बाय 5 से और ऐसे हमें कुछ और प्रोडक्ट्स, कुछ और नंबर्स को मल्टीप्लाई करके भी दिखाना है, जब तक कि हमारा ये आंसर नहीं आ जाता कि -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 1। यानी कि हमें एक पैटर्न दिखाना है जो अभी हम आपको सिखाएंगे कैसे करना है, जिससे कि यहां से स्टार्ट करके हमें यहां तक पहुंचना है इस आंसर तक। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 5, जैसा कि यहां पर हमें दिया गया है, और जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो आपको क्या मिलेगा -5, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस होता है और 5 1 5 होता है। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू -5। अब इसके बाद हम लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 4, हम यहां से एक नंबर कम कर देंगे, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा -4। इसके बाद -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, एक नंबर और कम कर दिया, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो आंसर मिलेगा -3। इसके बाद हम लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू -2। इसके बाद हम लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -1। देखिए नंबर एक एक करके हम कम करते जा रहे हैं, तो ये एक पैटर्न बन रहा है। अब 1 से अगला नंबर जो छोटा होता है उससे कम नंबर क्या होता है 0। देखिए 5 से कम 4, 4 से कम 3, 3 से एक नंबर कम 2, 2 से नीचे क्या आ गया 1, 1 के नीचे क्या आएगा 0। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आपको आंसर मिलेगा 0। हमें जो आंसर निकालना था वो ये था, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 1। अब 0 से छोटा नंबर क्या होता है -1, ठीक है, तो अब हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो हमें क्या मिलेगा 1। माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आ जाता है और 1 1 जा 1 होता है। तो इसमें आपने देखा कि हमने एक पैटर्न का यूज किया, अलग अलग नंबर्स को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ और फिर हम इस रिजल्ट तक पहुंच गए कि -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 1, और यही तो हमें शो करना था। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।